मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं गोरियाहाट आई हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली, और मैं आई हूँ शॉपिंग करने के लिए और साथ साथ आप सबको भी शॉपिंग कराने के लिए। गोरियाहाट में बहुत से ऑसम 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 से जंग ज्वेलरीज मिलते हैं, क्यों उसकी साइड में लाइट है, ओके, बहुत से ऑसम जंग ज्वेलरीज मिलते हैं और वो भी बहुत चीप प्राइस में। तो और साथ साथ आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि मैं अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इतनी दूर आई हूँ। और शायद ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। शुरू कुछ बोलने वाला था, शुरू के साथ गोरियाहाट का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। नहीं, सबसे पहले तो मैं सबको हाय बोलना चाहता हूँ, बहुत दिन बाद ये कनेक्शन बन रहा है तो अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम लोग बहुत कम ही ब्लॉग बनाते हैं। हाँ, एक्चुअली और इन दिनों थोड़ा ज़्यादा बिजी है तो इसलिए नहीं बन, मतलब ब्लॉग नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग आगे से कोशिश करेंगे और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट भी किया है, बहुत सारे, और सामने आगे से बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, बहुत अच्छे कंटेंट है। ओके, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, जरूर आएगा, बहुत बहुत जल्दी आएगा। और गोरियाहाट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। गोरियाहाट इज एक्चुअली मेरे दिल का बहुत करीब है, यहाँ पे मैं जब कॉलेज टाइम था, यहाँ पे गोरियाहाट में रहती, जब कॉलेज के टाइम में यहाँ पे बहुत बार आया हूँ और यहाँ पे मेरा डांस क्लास भी था, तो ये सब एरिया में बहुत बहुत मतलब टाइम स्पेंड किया है, तो अच्छा फील हो रहा है। बहुत दिन हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि हमें ये शॉपिंग ब्लॉग बनाना है, बग बग ब्लॉग नहीं। क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं पता नहीं, लेकिन जंग ज्वेलरीज अफकोर्स मैं खरीदने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट में ना सबको दिखा दे यार। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना चलिए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी है लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसी से हम लोग काम चला लेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते रहते कि त्रिशा क्या तुम बंगाली हो? हाँ बिल्कुल, मैं बंगाली हूँ, मैं दिखती नेपाली और भूटानी हूँ लेकिन मैं हूँ बंगाली। तो चलो शॉपिंग करते हैं, चले। गोरियाहाट के सारे लेन में होते हैं इस टाइप के छोटे छोटे स्टॉल्स जहाँ पे होते हैं जंग ज्वेलरीज, और इस स्टॉल में मैं देख रही हूँ सिल्वर कलर की इयररिंग्स, और ये जो इयररिंग्स है ये सारे ही करीबन 50 के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ सिल्वर कलर के बैंगल्स जो करीबन 150 टू 200 की है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया तो मैंने इन्हें नहीं लिया। यहाँ पे आपको कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स के शॉप भी मिल जाएंगे, और ये जो लीफ की बॉल है ये मुझे काफ़ी पसंद आया है स्पेशली मेरे वीडियो बैकग्राउंड के लिए। यहाँ पे कुछ ड्यूप मेकअप के स्टॉल्स भी है जहाँ पे आपको हुडा ब्यूटी, मेवलिन, लॉरियल सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपके किचन के लिए कप, डिशेस, ग्लासेस ये सब भी मिल जाएगा, और ये जो सूप बोल मैं देख रही हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ये 150 रुपीज़ की है, मुझे लगता है ये 130 रुपीज़ में इजीली आप बार्गेन करके खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ स्प्रे बॉटल्स, छोटे वाले 30 और बड़े वाले 40 रुपीस की है, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है।
के बहुत काम आने वाले हैं। देख रही हूँ वो मुझे काफी क्यूट और स्टाइलिश लगा, बट मॉनसून सीजन में जूट बैग कैरी करना बिल्कुल भी स्मार्ट चॉइस नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लाउज पीसेस भी मिल जाते हैं कॉटन और अलग अलग फैब्रिक में, जिनकी प्राइस करीबन 100 टू 150 होती है। Let's all take a ride, Savannah. अभी मैं चोकर ढूंढ रही हूँ, अच्छा सा कोई शॉप मिल जाएगा तो मैं चोकर ले लूँगी। और यहाँ पे अगर आपको आना है तो आपको अच्छा खासा चीज़ें मिल सकता है, जितना भी मैं कवर कर पा रही हूँ कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, वो है बहुत सारे लोग जंग ज्वेलरीज बनाते हैं, मतलब खुद से पैशनेट है कि घर में जंग ज्वेलरीज बना के आप गिफ्ट कर सकते हो, तो उसके लिए जो चार्म्स होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे एक जगह पे मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ उस जगह को आपको दिखाने की। ओके, यहाँ पे कुर्ती मुझे अच्छा लगा है, कुर्ती का प्राइस पूछ कुर्ती जो था वो 800 था, और अभी मुझे पसंद नहीं आया कि 800 से मैं नहीं हूँ, तो अभी और कुछ ढूंढ रहे कि और क्या मिलता है अच्छा खासा यहाँ पे, वही सारा सब कुछ ढूंढ रहे अभी। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और उसके साथ जब मैं बता रही थी, सॉरी, उसके साथ वो जो मैं बता रही थी कि जंग ज्वेलरीज के लिए आप जो चार्म्स एंड ऑल मिलते हैं वो कहाँ पे मिलेगा वो भी दिखाते हैं जल्दी जल्दी। कल बहुत बारिश होता है, हाँ यार, कल मैंने सोचा कि अरे ठीक है कल का वो इधर अच्छा रहेगा, मतलब कल मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन देखो आज उतना ज़्यादा वेदर भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी अच्छी बात है ना कि धूप बहुत अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पे अच्छे खासे स्पेशली स्कर्ट्स, यू कैन सी स्कर्ट्स और कुर्तीज अच्छी खासी मिल जाएगी, बैग्स अच्छी मिल जाएगी, और कुर्तीज तो मुझे लगता है 300 में अच्छा अच्छा मिलता है यहाँ पे, मतलब रेगुलर यूज़ के लिए। तो आप चाहते हो तो कुर्तीज़ भी देख सकते हो, तो ये सारे कुर्तीज़ जो है 170 के हैं, बट कुर्तीज अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं कुर्तीज नहीं देखती हूँ कुछ भी। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a stride. Savannah, I'm coming home, Savannah. स्टॉल्स में आपको हैंडलूम साड़ीज़ भी मिल जाएगी, और जो चेक साड़ीज़ मैं चेक कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा फैशन में इन है, और इनकी जो प्राइस है वो है 400 टू 500।
ये है उल एम्पोरियम और इस मार्केट में और भी बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए चार्म्स, बीड्स, टासल ये सब कुछ बहुत इजीली और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah. इसी शॉप से मैंने एक सिल्वर चोकर लिया है जो बाकी के शॉप्स में 150 बताया जा रहा था वो मुझे यहाँ पे 130 में मिल गया। सेम मार्केट के दूसरे शॉप से मैंने लिया है कुछ वुडन चार्म्स जो 10, 15 और 20 रुपीस की है और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। यहाँ पे आपको पॉम्पम के पैकेट्स भी मिल जाएंगे जो करीबन 10 रुपीस की है और आपको कुछ झुमका बेस भी इजीली मिल सकता है जिससे आप ऑसम झुमका बना सकते हैं और इनकी जो बेस की प्राइस है वो है पर पेयर 5 रुपीस। ऑर्नामेंट्स बनाना चाहते हो तो आपको ज़रूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। आपको बस खादिम्स के पास आना है गोरियाहाट में और शायद हिंदुस्तान मार्केट या फिर ऐसे कुछ या फिर किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ पे खादिम्स के पास आके कि कहाँ पे ऑर्नामेंट्स मेकिंग के लिए चार्म्स वगैरह मिलता है। इतने कम प्राइस में आपको मिलेगा और आप खुद की क्रिएटिविटी को और भी एक्सपोज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस। हाँ, मुझे बेस मिला 5 रुपए का, 200-250 में खरीदते हैं जो सारी चीज़, वो चीज़ आप 100 रुपए में, 70 रुपए में, 80 इजीली बना लोगे और खुद की क्रिएटिविटी को भी आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप गोरियाहाट आते हो तो इस प्लेस को जरूर विजिट कीजिए। तो मेरे अभी पता नहीं, अभी हम लोग शायद ब्लॉग को खत्म करने वाले हैं। नहीं, हम ब्लॉग खत्म नहीं करने वाले। क्यों नहीं? क्योंकि हमें भूख लगी है और क्या खाएंगे वो तो दिखाना बनता ही है। हाँ, खाना पीना होगा और उसके बाद बिना खाने के ब्लॉग कैसे बनेगा? खत्म नहीं, नहीं हो सकता। मारो मत मुझे यार। हाय, हम सब ने लंच तो कर लिया था, तब बारिश शुरू हो गया था तो इसीलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एक्सट्रीमली सॉरी। और मैं ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ और मैं ब्लॉग के लास्ट में बिल्कुल मैंने क्या क्या परचेज़ किया है सारा फोटोग्राफ इंसर्ट कर दूँगी विथ प्राइस, तो उन्हें चेक कर लेना। और आपको कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो भी बताना और ब्लॉग कैसा लगा है वो भी बताना ज़रूर। ओके, तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और आगे से अगर ब्लॉग देखना है तो ढेर सारा कमेंट चाहिए। चाहिए कि नहीं? बाहर बिस्टी होच्छे, बहुत बारिश हो रहा है, बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत हो रहा है, अभी पहले ज़्यादा हो रहा था। ओके, लव यू ऑल, बाय। Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never
beauty.